शहजादी, ये कबूतर अंदर कैसे आ गया? अब खाला से क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये आपको परेशान कर रहा है, मैं इसे उड़ा देती हूँ। नहीं 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 नहीं, खाला जान ये हमारा है। आपका? हमारा मतलब बगदाद का हर्षद हमारा ही तो है, जो इस वक्त बहुत परेशानी में है। दरअसल बगदाद में जहरीले बादल छा चुके हैं, जिसकी वजह से इंसान कबूतर में बदल रहे हैं। या अल्लाह! हाँ, और हमें लगता है कि बेचारा डर गया है, इसीलिए महल में आ गया। बेचारा, हमारे मुल्क पर पता नहीं किसका बुरा साया पड़ गया है। उस कमीने बुड्ढे सफर का। या अल्लाह! शहजादी, आपको लगेगा मैं मजाक कर रही हूँ, पर इस कबूतर ने अभी अभी कुछ कहा। कहेगा ही ना। नहीं, इतना बातू नहीं जी। अब हमारा मतलब कबूतर है तो गुटर घू कर रहा होगा, यही तो करते हैं ये। आपने बताया नहीं आपको क्या काम था मुझसे। कुछ खाएंगे आप? नचड़ी, बदहजमी, बदहजमी, बदहजमी जी। अरे बदहजमी, बदहजमी। ये इसने फिर कुछ कहा? नहीं नहीं खाला, दरअसल वो हमने ना कुछ खा लिया है, जिसकी वजह से हमें बदहजमी हो गई है। आप हमें कुछ दे सकती हैं? जी जी हाँ, दे सकती हूँ ना। आइए, चलिए चलिए। अंदर के बच्चे, ये बदहजमी वाला नाटक तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? शहजादी, अलादीन जब छोटा था ना तो बहुत गलत खा लेता था और बहुत सारा भी खाता था, अक्सर बदहजमी हो जाती थी उसे। तब मैं उसे यही दवा बनाकर पिलाती थी, एकदम ठीक हो जाता था इससे। ये लीजिए। अब खाला, हम बाद में पी लेंगे। बाद में दिक्कत बढ़ जाएगी शहजादी, आप ना पी लीजिए, इसका जायका इतना भी बुरा नहीं है। ये देखिए, पी लीजिए, अच्छा है। अब सब ठीक हो जाएगा जी खाला, अब सब ठीक हो जाएगा। बेटी की तुम, आप लगता है इसे भूख लगी है, मैं इसके खाने के लिए कुछ लाती हूँ। या अल्लाह, जाने अनजाने में भी अम्मी अपने बेटे का ख्याल रख ही लेती है। इसने कुछ कहा ना? अब खाला, आप हमें वो दवा दे देंगी, बाद में हमें बदहजमी महसूस हुई तो हम पी लेंगे। जी अभी दे। शुक्रिया। इसमें थोड़ा सा नींबू मिला लीजिएगा। शुक्रिया खाला जान। शहजादी, आप जुनैद जी के बारे में कुछ पता है? 2 दिन से उनकी कोई खबर नहीं है, बहुत घबराहट हो रही है मुझे, कहीं किसी मुश्किल में ना। नहीं नहीं खाला, वो जहाँ भी है ठीक ही होंगे, और हमें लग रहा है कि वो काम के सिलसिले से कहीं बाहर गए होंगे, जल्दी वापस लौट आएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, आप अच्छा अच्छा सोचिए, सब अच्छा होगा। शहजादी, आपने मुझे अलादीन की याद दिला दी, वो भी हमेशा ऐसे ही। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। आप आराम कीजिए। जी खाला जान, शुक्रिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये कबूतर मुझसे कुछ कहना चाह रहा, और इसकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। लगता है मुझे ही आराम की जरूरत है। काले चोर, अम्मी के सामने इतना जोर जोर से बोलने की क्या जरूरत थी? अगर उन्हें शक हो जाता तो? अरे शेख जीनू,
हमको पता है आपके पीछे से यहाँ क्या क्या हो गया। ये कबूतर अलादीन। मैं जानता हूँ ये मेरा भाई अलादीन है। मैं पहले ही समझ गया था कि मेरा भाई किसी मुसीबत में। मैं इस कमीने सफर को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। नहीं जीनू, अभी कोई बात नहीं कदम करने देगा। शेख जीनू, हम आपके साथ हैं। काले चोर, तुम ना बस सही वक्त का इंतजार करते रहा करो बस। नक्षड़ी, उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मासूम लोगों को और मेरे भाई को कबूतर बनाने की। वाह भाई। लेकिन शेख जीनू, उसे जादू किया कैसे आपकी मदद के बगैर? ये सब बातें, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि उसने मेरे बगैर ये जादू किया कैसे। और वो जादूगरनी मनिका को पुराना किस्सा कह रहा था। खैर कोई बात नहीं, एक बार जो उसका गला दबा लो तो वो सारी हकीकत सामने लेके आएगा। हम भी अपनी शमशीर लेकर आते हैं। हाँ, आप अपनी शमशीर निकालिए, उसके लिए मेरे हाथ भी काटो। चिनमिनी, ये दोनों तो जंग को तैयार हैं। अब तुम ही इन्हें रोक सकती हो। जी आका, जो पतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो जम जाए। ये क्या, तुम लोगों ने इन्हें जमा क्यों दिया? क्योंकि तुम दोनों मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहे थे। पहले मुझे ठीक तो कर लो, फिर मिल के जफर को धूल चटाएंगे। ठीक है। काले चोर के बच्चे, तुम एक तो हम पर हुक्म चलाते हो, उसके बाद जीनी मिनी से कहकर हम पर जादू करते हो। तुम हमें ढंग से कुछ बताते क्यों नहीं हो? सब बता दो, और अब भी नहीं बताओ तो ठीक होते ही अच्छे से मेरी खबर ले लेना। ठीक है? ठीक है। थोड़े से दाने अम्मी की दी हुई दवा में डुबो दो। अरे जब अलादीन छोटा था ना तो बहुत खा लेता था, तो कभी कभार ना उसे वो बदहजमी जैसे। नक्षड़ी। हाँ हाँ। इस दवा से इसके पेट से जादुई हवा निकल जाएगी, जिससे ये ठीक हो जाएगा। नीचक दाना, नीचक दाना, दाने ऊपर दाना। नीचक दाना, नीचक दाना, दाने ऊपर दाना। नीचक नीचक नहीं, ये गाना है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। वो आने वाली है। आजा, आजा। आ गई, आ गई, आ गई। काली चोर। चड़ी। पहचान? आका। चिनू भाई। क्या कमाल की तरकीब लगाई है भाई? कमाल की तरकीब नहीं जिनू, अम्मी की तरकीब है, जो हमेशा काम करती है। अरे वाह, अम्मी जिंदाबाद। अब बस इसी तरकीब से हम
पूरे बगदाद को ठीक करेंगे। हमारी दूसरी मांग को पूरा करने का वक्त आ चुका है। भाई मेरे भाई, कुल्लू कुल्लू भाई मेरा भाई, कोई आम कबूतर नहीं, मेरा खास उल्लू गुल्लू ही बुला सकता है। आ जाओ, ये ले गुल्लू। आप रुको, पहले मेरे कंधे से उतरो, वरना तुम मेरे कंधे पर बैठे बैठे इंसान बन जाओगे। जाओ। मैं वापस आ गया भाई। भाई मेरे भाई, मैं लौट आया शहजादी, मैं लौट आया मेरे बगदाद, मैं लौट आया। ऐसी कौन सी जंग से लौट आए हो गुल्लू, तुम तो यहीं थे ना। हाँ, लेकिन कबूतर की शक्ल में ना। कबूतर की शक्ल तुम्हारी शक्ल से ज्यादा बेहतर थी भाई। मजाक कर रहा हूँ गुल्लू, मुझे बहुत खुशी है कि तुम लौट आए हो। हम भी सूबेदार गुलबदन। शुक्रिया शहजादी। देखो हमारी बातें तो चलती रहेंगी ना। बाकी शहर की हालत भी देख लेते हैं। हाँ जरूरी है, चलो। ये सारे कबूतर सारा जी के पास क्यों गए, मेरे पास क्यों नहीं है? अरे कबूतरों आओ। अगर ये मुझे रोज दाना खिलाए तो मैं सारी उम्र कबूतर बने रहने को तैयार हूँ। अब समझ में आया, ये सभी कबूतर मर्द हैं, इसीलिए सारा जी के पास जाके बैठ गए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यूँ
सारा जी, अगर आपको एतराज ना हो तो थोड़े से दाने मैं खिला दूं। जरूर। शुक्रिया। कमबख्तो, मैं सब समझ गया हूँ। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं, ये चारा मुझसे ही खाना पड़ेगा। खाओ, 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 खाओ। इतने प्यार से दाना खिलाने के लिए शुक्रिया। सारा जी आप कितनी अच्छी है ना, आपने हमें ठीक कर दिया। तो सारा जी से दूर हटाओ। जी, ये कबूतर नहीं रहे, वो इंसान बन चुके हैं। इनसे अच्छे से बात कीजिए और शुशु करना बंद कीजिए। याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो ये बात भूल ही गया था। सालों, मेरा मतलब है ये भाइयों, चलो जाओ जाओ। तकलिया तकलिया तकलिया, जाओ जाओ। शुक्रिया 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 शुक्रिया। मेरा मतलब है जाओ जाओ। आओ, 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 आओ। आका के चाचा और साथ में कोई लड़की। मेरी प्यारी रुबीना, अब इस प्यारी को भूलकर आजमीन के पास जाने का वक्त हो गया है मुस्तफा जी। हम कबूतर हमेशा परवास पर रहते हैं, आज तक हमें कोई रोक पाया है क्या? न हवा, न पानी, न किस्मत, वगैरह वगैरह वगैरह। ये मक्खियों के जैसा उड़ना बंद करो, अब हम कबूतर नहीं इंसान हो चुके हैं। बहुत अच्छे इंसान। क्या कहा? इंसान। अब हमारे जाने का वक्त हो गया है, मैं चली। रुबीना, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी कबूतरी, मेरी बात तो सुनो। रुबीना उठो, ये तो चली गई, मैं क्या करूं? अब तो उस मोटी पुरानी भैंस का ही सहारा है, उसी के पास चलता हूँ। चाहिए चाहिए अब्बू, आपको उनके सहारे के साथ साथ उनके ताने लाते घूसे चप्पलें सब मिलने वाली है। हाँ गुल्लू, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि तुम्हारे अब्बू तो गए, अब हमें आका के पास जाके आगे की चाल समझनी चाहिए। हाँ, हाँ, चलो 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 चलो, चलो, चलो। लोग कबूतर से वापस इंसान कैसे बने जा रहे? इस आईने के मायने इतने मामूली कैसे हो गए कि टुच्चे मुच्चे इंसान की समझ में आ गए? और सुनो, ये तुम्हारी वाहियात बातें बंद करो। आईने के पाइने और क्या लगा रखा है तुमने? आईने के मायने ना देख लिए तुम्हारे सारे मायने? एक जहरीली हवा तो सलीके से छोड़ नहीं पाए तुम, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो मायने आईने। खबर है तुम्हें, खबर है तुम्हें, हम खुशी के मारे कि हर एक इंसान कबूतर बना जा रहा है, हमने तो गाने गाने शुरू कर दिए थे। काश मैं जादूगरनी मलिका तक पहुंचने के लिए साहिने की जरूरत ना होती, और सुल्ताना ए बल्तिश से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमें तो लगता है हमारे खून को खौलाने के लिए बस उन्होंने हमें यह आईना थमा दिया। जितनी ताकत हमसे बहस करने में लगा रहे थे,
उतनी अपने जादू में लगाई होती तो तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। गुस्सा मुझे परेशान करता है और परेशानी मुझे हैवान बना देती है। और हम शैतान हैं, शैतान। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलिए बताइए अपनी हैवानियत का एक नजारा, वरना कसम खुदा की खा के कह रहे हैं आपकी अगली ख्वाहिश को हम पूरा नहीं होने देंगे। रही बात मेरी अगली ख्वाहिश को पूरी करने की, उसके लिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, उसे मैं खुद पूरा कर लूंगा। और इंसान दिल चुराते हैं, आईना रूह चुरा लेगा। अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इंसानों, तुम लोग अब मेरे अगले कहर के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। जादूगरनी मलिका तक तो हमें ये आईना ही पहुंचाने वाला था, ये कहां चला गया? इसे ढूंढना ही होगा, हमें ढूंढना ही होगा।